Hello friends this is Manish Srivastava as we had started a series on MPGS Premier League that is MPL this is lecture number 2 जैसा कि आपको पता है कि 6 पी एम डेली सीरीज हम लेकर आ रहे हैं एम के ऊपर जिसमें मध्य प्रदेश के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है लेक्चर वन ऑलरेडी कवर कर दिया है आज हम लेक्चर टू लेकर आए हैं जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करेंगे और बहुत आ, अच्छे आंसर्स दिए थे आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में तो वैसे ही आज के लेक्चर में भी जो है थोड़ा सा लेवल जो है इंक्रीज है तो आज के क्वेश्चन को भी ट्राई करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज्यादा स्कोर करें तो जितने उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेस और आज के लिए भी जो है ऑल द बेस्ट तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम स्टार्टेड टू एनकरेज मिल्क प्रोडक्शन इन एमपी ये एक इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है जो कि स्टार्ट हुई है एमपी में टू इनकरेज मिल्क प्रोडक्शन एंड विथ हु सपोर्ट इज दिस स्कीम इज बीइंग ऑपरेटेड और ये किसके सपोर्ट से ये स्कीम जो है मध्य प्रदेश में ऑपरेट हो रही है आपको आंसर करना है आप आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर भी लिखिए कि क्वेश्चन नंबर वन आंसर दिस तो आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि ए जो है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड फिर आपका जो है वर्ल्ड बैंक सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन जो है यूनेस्को है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो इंटीग्रेटेड डेरी डेवलपमेंट स्कीम में जो मध्य प्रदेश में मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्टार्ट हुई है इसमें कौन सपोर्ट कर रहा है आपको जल्दी से इसका आंसर देना है और आज की क्लास का जो आज की जो सीरीज है एम की इसका कट ऑफ जो मार्क्स है वो सेवन मार्क्स है तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें और ये पिछले को, जो सीरीज थी उससे थोड़ा सा हार्ड लेवल है तो इसका आंसर आपने कर दिया होगा होप और द करेक्ट आंसर जो है वो है वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक जो है इंटीग्रेटेड डेयरी स्कीम डेवलपमेंट को जो है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको सपोर्ट दे रहा है मध्य प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक कॉल्ड अ टेल टोल्ड बाय एन ईडियट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये अ टेल टोल्ड बाय एन तो इसके जो ऑथर कौन है ये आपको बताना है तो इसमें ऑप्शन है ए श्री एम एस सिंहदेव बी ऑप्शन है आर एन चोपड़ा सी ऑप्शन है आर पी नोरनहा और डी ऑप्शन है एम केरल पासरेचा तो आप इसका आंसर जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर टू आंसर जो है आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा द करेक्ट आंसर इज मिस्टर आर पी ये आर पी नरोहना जो थे ये सबसे ज्यादा टाइम तक चीफ सेक्रेटरी रहे मध्य प्रदेश के और इन्हीं के नाम पर जो है मध्य प्रदेश की जो पी पीएससी एकेडमी है वो नरोहना एकेडमी के नेम से ही जानी जाती है तो उन्होंने ये फेमस बुक लिखी थी आ टेल टोल्ड बाय इडियट तो ये एग्जाम्स में आएगी आपको इसको बहुत अच्छे से देखें इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आज का है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और व्हेन वाज द पब्लिक प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट सेटअप इन मध्य प्रदेश जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट है इसका सेटअप मध्य प्रदेश में कब हुआ था ऑप्शन है 8 जून 1987 8 जून 1984 8 जून 1989 या 8 जून 1986 इसका ऑप्शन आप जो है आंसर जो है जल्दी से कमेंट सेक्शन में करिए क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर ए बी सी डी में जो भी आपको करना है फटाफट जो है इसका आंसर करिए और स्कोर करिए इस क्वेश्चन को दैट इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल होप आपने आंसर कर दिया होगा करेक्ट आंसर इज एट जून 1987 फोर्थ क्वेश्चन आज का एमपीएल का व्हेन वाज द डायल 100 सर्विस लॉन्च्ड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट इन मध्य प्रदेश आपने ये देखा होगा जो हाँ, डायल हंड्रेड सर्विस है जो पुलिस की किसी भी तरीके से कोई भी इमरजेंसी कंडीशन होती हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप डायल हंड्रेड करते हैं और यहाँ पे आपकी ये डायल हंड्रेड सर्विस मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है तो ये कब लॉन्च किया गया था टू थाउजेंड या टू इसका आंसर करना है आपको टू जो भी है आपको लगता है आंसर क्वेश्चन नंबर फोर आंसर करें आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से और ये सभी चीज़ें जो है हमने मध्य प्रदेश की एक जीएस सीरीज चला रहे हैं हम लोग जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी उस लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं वहाँ मैंने सभी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई हैं तो उनमें भी आपको ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के आंसर्स करने जो है जिनको भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हो लास्ट लेक्चर में जिनके भी मार्क्स कम आए हों वो वेबसाइट पर हमारी सीरीज़ को ज़रूर देखें करेक्ट आंसर इज 2015 होप सभी ने ये आंसर सही किया होगा तो ये 2015 में स्टार्ट की गई थी सर्विस फिर आज का क्वेश्चन का, और ये ट्राइब से रिलेटेड है ये मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं आपको और आपको इसको आंसर करना है घटियोरा, घोटुल धूम कुरिया इज रिलेटेड टू ये ट्राइब से रिलेटेड है इसमें ऑप्शंस भी है कि ये ट्राइब का डांस है दिस इज ट्राइब म्यूजिक दिस इज ट्राइब यूथ हाउस या दिस इज ट्राइब लैंग्वेज ये आपको जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि द वर्ड घटो घटियोरा घोटुल और धूम कोरिया जो है ये आपका किससे रिलेटेड है ये मैंने जो जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो इस लेक्चर जो हमारी लेक्चर सीरीज को कवर कर रहे हैं ट्राइब्स वाले पार्ट में मैंने इसको कवर किया हुआ है तो वो लेक्चर्स भी जो है आप जो है आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट दी हुई है उसको जरूर विजिट करें होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा तो द करेक्ट आंसर जो वर्ड घटियोरा घोटुल धूमकुरिया है इट इज रिलेटेड टू ट्राइब यूथ हाउसेस जो ट्राइब्स के यूथ हाउसेस होते हैं उनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेम्स हैं तो वर्ड जो है घटियोरा घोटुल और धूमकुरिया जो है ये ट्राइब यूथ हाउस से रिलेटेड है इसका डिटेल जो है आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें आपको बताना है हु वॉज नोन एज बुंदेलखंड गांधी बुंदेलखंड के गांधी के नाम से कौन फेमस है तो ऑप्शन से आपके ए ऑप्शन है सुजीत कुमार बी ऑप्शन है दीवान शत्रुघ्न सिन्हा सी ऑप्शन है राजेंद्र कुमार और डी ऑप्शन है राघवेंद्र कुमार जो हमारा बुंदेलखंड रीजन है वहां से काफ़ी जो है फ्री फ्रीडम के लिए और बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इन्होंने तो इनको जो है बुंदेलखंड गांधी कहा जाता है तो आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर नंबर आंसर होप आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे होंगे और इसमें अगर हम बात करें तो द करेक्ट आंसर ऑफ सिक्स क्वेश्चन इज दीवान शत्रुघ्न सिन्हा दीवान शत्रुघ्न सिन्हा को बुंदेलखंड का गांधी कहा जाता है इसके बाद हम मूव करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे आज के तो सेवेंथ क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश समारोह इज हेल्ड एट विच प्लेस मध्य प्रदेश फेस्टिवल या मध्य प्रदेश समारोह किस प्लेस पर ऑर्गेनाइज होता है ऑप्शन ए दिल्ली ऑप्शन बी भोपाल ऑप्शन सी खजुराव ऑप्शन डी नन ऑफ दीस तो इनमें आपको जल्दी से आंसर करना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर नंबर तो आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी करिए और इस सीरीज में आपको सेवन मार्क्स स्कोर करने हैं कट ऑफ निकालने के लिए तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताइए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और जो है आपने क्या आंसर किया है इसका जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए तो होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा मैं दो सेकंड्स और रुक रहा हूं आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ मध्य प्रदेश फेस्टिवल या मध्य प्रदेश समारोह जो है ये ऑर्गेनाइज होता है दिल्ली में तो दिल्ली में याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश फेस्टिवल होता है खजुराव फेस्टिवल अलग है भोपाल में अलग फेस्टिवल्स होते हैं लेकिन मध्य प्रदेश फेस्टिवल जो है ऑल इंडिया लेवल पे जो है मध्य प्रदेश के कई तरह की यहाँ पे जो रिचुअलिस्टिक चीजें हैं कल्चरल चीजें हैं जो ट्राइबल चीजें हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं तो, तो दैट इज ऑर्गेनाइज इन डेली इसके बाद एट क्वेश्चन है आज का और ये आपको बताना है कि विच ऑफ द ंग इन दम ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स मध्य प्रदेश में जो ट्राइब्स होती हैं वो कुछ तरह के सॉन्ग्स जो हैं गाती हैं और वो कौन से क्वेश्चंस और आंसर्स के फॉर्म में ये सॉन्ग संग किए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन क्वेश्चन नंबर एट आंसर नंबर आपको बताना है ये एमपीएल का आज एट क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करें आप ऑल द बेस्ट सभी चीजों के लिए आपको जल्दी से आंसर करिए इसका ए बस देवा बी बेराइटा सी गायन डी बिरहा। तो ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कौन सा जो है आपका जो है सॉन्ग संग किया जाता है मध्य प्रदेश में आपके पास दो सेकेंड और है इसका आंसर करने के लिए तो होप आपने आंसर कर दिया होगा कमेंट सेक्शन में द करेक्ट आंसर इज बिरहा। बिरहा जो होता है एक तरह से जब किसी से दूर हुआ जाता है तो बिरहा जो है मतलब एक तरह से एक विलाप की कंडीशन होती है जहां भी दो लोग जब पिछड़ते हैं तो ये जो है सॉन्ग किया जाता है इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो ट्राइब्स में काफी फेमस है नाइन्थ क्वेश्चन आज का मुसलम ऑफ माधवराव सिंधिया माधवराव सिंधिया का मुसलम मतलब मकबरा या समाधि किस सिटी में और जो है वो सिचुएटेड है ये आपको बताना है ए ऑप्शन इज ग्वालियर बी ऑप्शन इज धार सी ऑप्शन इज बुरहानपुर डी ऑप्शन इज शिवपुरी काफी इजी क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पीएससी में बहुत बार आया हुआ है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर नाइन आंसर कौन सा है ए बी सी डी जल्दी से इसका आंसर करिए एम में स्कोर करिए और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए कि वो भी स्कोर करें इस चीज़ को तो इसका जो लिंक है वो आप बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं बहुत इजी सीरीज़ है और डेली बेसिस पर ये 6 पीएम सीरीज़ आने वाली है आपकी और इसमें हम लोग जो है मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे वो बनने लगेंगे और अगर नहीं बन रहा है इनका एक्सप्लेसन तो हमारे जो है वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं पूरे लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं तो आंसर जो है मौसम जो है माधवराव सिंधिया का इट इज़ सिचुएटेड इन श्योर

आपको इसका कट ऑफ जो है मैंने पहले ही बताया था सेवन मार्क्स हैं और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर और आपके टोटल मार्क्स मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए द करेक्ट आंसर जो टेन मिलता है मध्य प्रदेश में दैट इज बैतुल तो होप सभी ने जो है अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे इस लेक्चर में सेवन आउट जो है सेवन जो मैंने बताया था कि कट ऑफ मार्क्स हैं वो सभी के आए होंगे जो भी हमारे लेक्चर्स व्यू कर रहे हैं तो होप सभी के मार्क्स अच्छे आए हों तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और जिन्होंने भी कल अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऐसे ही आप जो है डेली स्कोर करते रहिए तो होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी और हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करें या नहीं करें ये आप लोगों के जो है व्यू और आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा तो इसके बारे में ज़रूर बताइए हमने इनिशिएटिव लिया है तो इसको कंटिन्यू किया जाए और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक यू वेरी मच